नमस्कार सभी को। क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। हाउ कैन शास्त्रा बी अ मीन्स टू नो ब्रह्मन? तो शास्त्र जो है ब्रह्म को जानने के लिए एक प्रमाण, प्रमाण का मतलब यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है, प्रमाण का मतलब जानने का साधन। जैसे आँख जो है रूप को जानने का साधन है, वैसे ही यहाँ पर शास्त्र जो है ब्रह्म को जानने का साधन माना गया है। तो शास्त्र जो है यहाँ पर ब्रह्म को जानने का साधन कैसे हुआ, प्रमाण कैसे हुआ ब्रह्म के लिए? क्योंकि ब्रह्म को अप्रमेय कहा गया है, मतलब ब्रह्म जो है किसी भी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। तो शास्त्र जो है वो ब्रह्म को मतलब हमें कैसे दिखाएगा? तो इसका समाधान है कि शास्त्र जो है वो ब्रह्म को, मतलब वो ब्रह्म को डायरेक्टली नहीं दिखाएगा। वो क्या कहेगा कि वो सिर्फ निषेध करेगा, मतलब नेति नेति, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, कह के नेति नेति करेगा। और बाकी जो बचा होगा नेति नेति के प्रोसेस के बाद, उसको हम ब्रह्म कहेंगे। मतलब शास्त्र जो है नकारने के लिए यहाँ पर शास्त्र है, लेकिन डायरेक्ट शास्त्र भी ब्रह्म को नहीं दिखा सकता। जैसे अभी मैं हूँ, मैं जो साक्षी हूँ अपने आप को नहीं दिखा सकता, ठीक है? मुझे हटाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, आदि नहीं हूँ, इनको देखने वाला भी मैं हूँ। तो ये जो नोअरशिप जो है, ये नोअरशिप कब तक है? ये नोअरशिप तब तक है जब तक मेरे मन में कोई ख्याल है। अगर ख्याल हटा दो तो नोअरशिप ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको हम साक्षी कह रहे हैं उसका साक्षित्व भी, उसका वास्तव में साक्षित्व भी नहीं है। क्यों? साक्षित्व जो है नोन की वजह से आ रहा है, ख्यालों की वजह से आ रहा है, वास्तव में उसमें कुछ नहीं है। हाँ, तो इसको हटा के हमको दिखाना है। तो सबको हटा के जो अवशेष बच जाता है वो हमारे अनुभव में रहता है। तो शास्त्र भी डायरेक्टली ब्रह्म को नहीं दिखा सकता। तो ये था प्रश्न का समाधान। और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।